Zainab ke main nisaa
Yeah.
इस तरह से है कि खुदावंद अली आला अपनी तौहीद पर खुद शहादत दे रहा है, शहद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहुवा, ला इलाहा इल्लल्लाह पर वो खुद शाहिद है। वह मलाइकतुहु और उसके मलाइका शाहिद हैं, और उसके मलाइका शाहिद। लेकिन जब आलम इम्कान की गुफ्तगू हुई तो खुदावंद अली आला ने सिफात को बयान किया, सिफात को बयान किया। ये भी मिजाज कुरान है कि कुरान नाम नहीं लेता, कुरान सिफात को बयान करता है। कुरान नाम नहीं लेता, कुरान सिफात को बयान करता है।
और याद रखेंगे आप हजरात कि अगर कुरान नाम लेता तो नफ्स इंसान में कैफियत जमू तारी हो जाती। कुरान सिफात को बयान करता है ताकि नफ्स इंसान मुतहर्रिक रहे, नफ्स इंसान मुतहर्रिक रहे। नफ्स का जमूद मौत है और नफ्स की हरकत हयात है। तो यूं कुरान सिफात को बयान कर कर नफ्स इंसान को मौत नहीं देता, हयात देता। नफ्स इंसान को मौत नहीं देता, हयात देता। अर्ज ये किया गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर वो खुद शाहिद, उसके मलाइका शाहिद, लेकिन जब आलम इमकान की गुफ्तगू की तो उसने सिफात को बयान किया कि यहाँ किसे इस्तेहकाक शहादत हासिल है, यहाँ किसे हक शहादत हासिल है। तो इरशाद हुआ वा उलिल इल्म कायमम बिल क़िस्त, यहाँ उसे हक शहादत हासिल है कि जो साहिबान इल्म हैं और अदल पर कायम, जो साहिबान इल्म हैं और अदल पर कायम हैं। गुफ्तगू के लिए यही गोशा मुनासिब रहेगा कि जहाँ इल्म है वहाँ अदल है और जहाँ इल्म नहीं वहाँ अदल भी नहीं। इल्म अदल लाजिम मलजूम, इल्म अदल लाजिम मलजूम। अगर फर्द से माशरे में तलब इल्म मफकूद हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो इम्कान अदल बाकी नहीं रहता। फ़र्द से माशरे में अगर तलब इल्म मफकूद हो जाए तो फ़र्द से माशरा ज़ुल्म का शिकार हो जाता है, लेकिन अगर फ़र्द से माशरे में तलब इल्म सलामत है, उपज इल्म बरकरार है, तो इम्कान अदल बाकी रहता, इम्कान अदल बाकी रहता।
तो इस तौर ये मजालिसे इसाल बर्पा की जाती हैं ताकि तलब इल्म सलामत रहे, उपज इल्म सलामत रहे, यानी इंसान का हर वो हर उठता हुआ कदम और हर खिंचता हुआ सांस अगर तलब इल्म के साथ है तो वो ज़ामिने तूले हयात बन जाता है, वो ज़ामिने तूले हयात बन जाता है। इल्म की तलब में इंसान की हयात का तूल पिन्हा, इल्म की तलब में इंसान की हयात का तूल पिन्हा। मैं तलबा से मुखातब हूँ, नौजवानों से मुखातब हूँ कि एक सवाल जो आपके पेश निगाह है और वो ये कि इतने इस्तबदाद के बावजूद, इतने जुल्म व सितम के बावजूद ये काफिला हयात यहाँ तक कैसे पहुँचा, यानी इतने इस्तबदाद, इतने जुल्म व सितम के बावजूद ये शियत यहाँ तक कैसे पहुँची। तो उसका मुख्तसर तरीन जवाब ये है कि हमने इस राह का इंतखाब किया कि जिसे जाहिर में राह हुसैन कहते हैं लेकिन बातिन में इसे राह इल्म कहते हैं। इस राह ने हमारी हयात को तूल दिया है, इस राह ने हमारी हयात को तूल दिया है। जितना आप तलब इल्म करते चले जाएंगे उतना आपका तूल हयात बढ़ता चला जाएगा, पढ़ता चला जाएगा। कलमा तकसार में आपके पेश निगाह ये कलमा यकीनन होगा कि जहाँ जनाब अमीर ने इरशाद फरमाया कि ये नेमत जिसे हाथ आ जाए, ये नेमत जिसे हाथ आ जाए उसे इसकी हिफाजत नहीं करना, ये अपने साहिब की खुद हिफाजत करता, ये अपने साहिब की खुद हिफाजत करता है। यकीनन बार बार ये कलमा आपके पेश निगाह रहा होगा लेकिन आज थोड़ा सा तफक्कुर से काम लें, थोड़ा सा तफक्कुर से काम लें। यानी जनाब अमीर ने कहा कि ये नेमत जिसके हाथ आ जाए उसे इसकी हिफाजत नहीं करना, ये अपने साहिब की खुद हिफाजत करता है। यानी जिंदगी जब हिसारे हिफाजत में आ जाए, जिंदगी जब हिसारे हिफाजत में आ जाए तो जुबान कुरान में उसे मुत्तकी कहा जाता है, जुबान कुरान में उसे मुत्तकी कहा जाता है। और मुत्तकी उसे कहते हैं जो हिफाजत हयात का हुनर सीख ले, मुत्तकी उसे कहते हैं तो हिफाजत हयात का हुनर सीख ले। दाराए दीन में पाबंद शरा जितने अहकाम हैं उसका खुलासा एक सतर में यह है कि जब आप उनको अदा करें तो अपनी हयात की हिफाजत करें, लेकिन बेखबरी के साथ अगर हजार सजदे करेंगे तो सजदा भी काबिले तस्करा नहीं, सजदा करने वाला भी काबिले तस्करा नहीं, लेकिन खबर के साथ एक सजदा करेंगे सजदा भी काबिले तस्करा है और सजदा करने वाला भी काबिले तस्करा है, सजदा करने वाला भी काबिले तस्करा है। इधर एक सांस तलब इल्म के साथ खींचा और उधर हयात हिसारे हिफाजत में आ गई, और इधर हयात हिसारे हिफाजत में आ गई। कुरान ने सनद दी कि आप मुत्तकी, और जब आप मुत्तकी हैं तो साहिब इल्म नाउम्मीद नहीं होता, साहिब तक्वा महरूम नहीं होता, मायूस नहीं होता, शिकवा नहीं करता, उसका तारे उम्मीद बंधा रहता है, उसका तारे उम्मीद बंधा रहता है। वो हर आन हर लहजा हर नफस शुक्र ही शुक्र करता चला जाता है। क्यों? इसलिए कि वो तन्हा नहीं, इसलिए कि वो तन्हा नहीं है, उसका मालिक उसके साथ साथ है, उसका मालिक उसके साथ साथ है।
और अजीजान गिरामी जिसका मालिक उसके साथ साथ हो, यानी खालिक की मालियत कयूमिया जिससे मुलिक हो जाए, तो वो नाउमैद क्यों, वो शिकवा क्यों करे? इसलिए कि कुरान आगे बढ़ के ऐलान कर रहा है इन्नल्लाह माल मुत्तकी, अल्लाह तकवा इख्तियार करने वाले के साथ है, अल्लाह तकवा इख्तियार करने वाले के साथ है। और यूं जब मालिक उसके साथ है तो मालिक अपनी मालियत नाकिस के साथ नहीं रखता, कामिल के साथ रखता। तो अजीजाने गिरामी अब ये मुकाम आता है कि ये मोहब्बत का दावेदार नहीं बल्कि खालिक इससे मोहब्बत का दावेदार होता है। तो कुरान आगे बढ़कर ऐलान करता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह तक्वा इख्तियार करने वाले से मोहब्बत करता है, अल्लाह तक्वा इख्तियार करने वाले से मोहब्बत करता है। तक्वा वही है जहां नेमत इल्म है, और जहां नेमत इल्म नहीं वहां तक्वा भी नहीं है। तो अब जितना आपके दराजात इल्म बुलंद होते चले जाएंगे उतना ही आपका मुकाम क़ुर्ब भी बुलंद होता चला जाएगा, उतना आपकी मनाजिल क़ुर्ब भी बुलंद होती चली जाएंगी। देखिए पूरी उम्मत मुसलमान हर इबादत के आगाज में नियत में इस मकालमे को बितकरार तिलावत करती है कि क़ुर्बतन लिल्लाह, अल्लाह के क़ुर्ब के लिए इस अमल को बजा ला रहा। लेकिन धड़कते हुए कल्ब पे हाथ रख के बताइए, धड़कते हुए कल्ब पे हाथ रख के बताइए कि क्या ये जरूरत है कि आप दावा करें कि मुझे क़ुर्ब इलाही मिल गया? क्या ये जरूरत है कि कोई दावा करे कि मुझे क़ुर्ब इलाही मिल गया? अगर इस जरूरत को पैदा करना है तो तालिब इल्म हो जाए। जितना आप इल्म की तलब करेंगे उतना मुकाम क़ुर्ब बुलंद होता चला जाएगा। जैसा आपका दर्जा इल्म होगा वैसा आपका मुकाम क़ुर्ब होगा, जैसा आपका दर्जा इल्म होगा वैसा आपका मुकाम क़ुर्ब होगा। मुख्तसर करें इस मुकाम को, इल्म जब मंजिले अकमलियत पे पहुंचा, इल्म जब मंजिले अकमलियत पर पहुंचा तो इंसान उस मुकाम क़ुर्ब पर पहुंचा कि जहां कुरान ने आगे बढ़ के कहा फकाना खाबा कौसैन अदना, के दो कमानों का फासला रह गया, दो कमानों का फासला रह गया। इस मंजिले कमाल क़ुर्ब ने बताया कि जितना दर्जा इल्म में बुलंदी आएगी उतना तुम्हारा मुकाम क़ुर्ब बुलंद होता चला जाएगा। तो ये वो मंजिल कमाल क़ुर्ब है कि जहां इल्म मंजिल अकमलियत के ऊपर है। तो कुरान ने कहा फकाना काब कौसैन अदना, दो कमानों का फासला रह गया था, दो कमानों का फासला रह गया था, यानी अब मैं नहीं रहा तू हो गया, अब मैं नहीं रहा अब तू हो गया था, अब वो मंजिले कमाल के ऊपर, अब उस मंजिले कमाल के ऊपर इंसान फाइज था कि जहां कुरान ने एक लफ्ज में पूरी रुयत को समेट लिया का सुम्मा दना फतदल्ला, अब उसकी निगाह डोल बन गई थी, अब उसकी निगाह डोल बन गई थी। क्या ख्याल है कलमा पढ़ने वालों का कि जिसका कलमा पढ़ रहे हैं उसके गैब हुजूर की मनाजिल में उलझ कर रह गए? अजीजों एक निगाह इस मंजिल पर भी हो कि सुम्मा दना फतदल्ला, अब उसकी निगाह डोल बन गई थी, अब उसकी निगाह में कायनात नहीं आलम नहीं आलमीन गैब नहीं रहे हुजूर हो गए थे, अब उसकी निगाह में आलम नहीं आलमीन गैब न रहे हुजूर हो गए थे। तो अब ये किलो काल ही अबस है कि कहाँ तक इनको तसरुफ हासिल है,
कहां तक इनको इख्तियार हासिल है, इस बुलंदी पे लाकर ऐलान किया कि मैं रब्बुल आलमीन हूं, इसे रहमतुल आलमीन बनाया। अब जहां तक मेरी रबूबियत है वहां तक इसकी रहमत है, जहां तक मेरा तसर्रुफ है वहां तक इसका तसर्रुफ है, जहां तक मेरा इख्तियार है वहां तक इसका इख्तियार है। तसर्रुफ इल्म के साथ है, इख्तियार इल्म के साथ है। जितना दर्जा इल्म में बुलंदी आएगी उतना तसर्रुफ बढ़ जाएगा, जितना दर्जा इल्म बुलंद होगा उतना इख्तियार भी बढ़ जाएगा, उतना इख्तियार भी बढ़ जाएगा। वो ओहदा देता है, वो मनसब देता है इल्म की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर। वअल्लमला आदमल अस्मा कुल्लाह, हमने आदम को अस्मा का इल्म दिया, हमने आदम को अस्मा का इल्म दिया। ये आगाज है कि जहां मनसब इल्म के साथ अता हुआ, जहां ओहदा इल्म के साथ अता हुआ और अब तसलसल की तफसील दी, तो फिर सूरह दहान में इरशाद हुआ वला अदख्तरनाहुम अला इल्मिन अलालमीन, हमने इन्हें इल्म की वजह से आलम पे नहीं आलमीन पर इख्तियार दिया, हमने इन्हें इल्म की वजह से आलमीन पर इख्तियार दिया। वो जिसे ओहदा देता है, वो जिसे मनसब देता है इल्म के साथ देता है, और जिसे ओहदा और मनसब देता है उसे तसर्रुफ भी अता करता है, उसे इख्तियार भी अता करता है। यानी नबी बनाता है तो इल्म के साथ, रसूल बनाता है तो इल्म के साथ, इमाम बनाता है तो इल्म के साथ, वली बनाता है तो इल्म के साथ। अब ये दराजात हैं, यानी जब तक इल्म मंजिले अताया पर होता है तो नबी कहलाता है, और इल्म जब मंजिले इम्तहान में आ जाता है तो इमाम कहलाता है, और इल्म जब गदीर में कामिल हो जाता है तो वली कहलाता है। इल्म जब गदीर में कामिल हो जाता है तो वली कहलाता है। यूं जैसे जैसे दराजाते इल्म में बुलंदी आती है वैसे वैसे ओहदा और मनसब भी बुलंद होता चला जाता है, वैसे वैसे ओहदा और मनसब भी बुलंद होता चला जाता है। ये मुकामे इल्म है, ये मुकामे इल्म है कि वो ला शरीक किसी ओहदे में शरीक नहीं, वो ला शरीक किसी ओहदे में शरीक नहीं, लेकिन हिदायत के 10 मनासिब हैं और उन 10 मनासिब में विलायत वो मनसब आली है कि जिसमें वो ला शरीक भी शरीक है, जिसमें वो ला शरीक भी शरीक है। आयत तो बार बार आप पढ़ते हैं, सीनों पे मुनक्किश होना चाहिए इस आयत को कि इन्नमा वलियकुम अल्लाह व रसूलहू वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली रसूल वली वो मोमिन वली। अब यहां भी सिफात को बयान किया, नाम नहीं लेता कुरान, यहां भी सिफात को बयान किया कि जो नमाज को कायम, अकीमुस्सला, जो नमाज को कायम करते हैं। सिफात को बताया, हालत रुकू में ज़कात देते हैं। तो अजीजों नाम नहीं लिया, कुरान मैदान खुला रखता है। अब जो चाहे इस महफ़िल पर कसौटी को तलाश करे कि किसने नमाज को कायम किया, किसने हालत रुकू में ज़कात दी। और अब यहाँ कीलो काल ही अजब है कि यहाँ इनको कहाँ तक तसर्रुफ है, कहाँ तक इख्तियार है। नहीं, जैसे वो वली वैसे रसूल वली, और जैसे रसूल वली वैसे वो मोमिन वली है। तो जहाँ तक उसका इख्तियार है वहाँ तक इनका इख्तियार है, जहाँ तक उसका तसर्रुफ है वहाँ तक इनका तसर्रुफ है। इसलिए अली को नहीं पुकारते कि हम किसी जात को आवाज दे रहे हैं, नहीं, अली की पुकार में इल्म की पुकार पिन्हा है। जब हम अली को पुकारते हैं तो हमारा एक दर्जा इल्म बुलंद हो जाता है, और जब एक दर्जा इल्म बुलंद होता है तो एक दर्जा ईमान बुलंद होता है, जब एक दर्जा ईमान बुलंद होता है तो एक मुकाम और भी बुलंद हो जाता है।
एक मुकाम क़ुर्ब भी बुलंद हो जाता है अली को पुकारते रहे। अली को पुकारते रहिए इसलिए कि इस नाम में ही उलू है। अली को पुकारते रहिए इसलिए कि इस नाम में ही उलू है। जब जब पुकारेंगे आपकी हयात को उलू मिल जाएगा, आपकी हयात को उलू मिल जाएगा, आपके नफ्स हिजाबात उलट जाएंगे, आपके नफ्स हिजाबात उलट जाएंगे, आपका आसमान बुलंद हो जाएगा, आपका गैब हुजूर में बदल जाएगा, आपके नफ्स की कैफियत शक यकीन में बदल जाएगी। और ज़बान मज़हब में नफ्स की कैफियत शक का यकीन में बदल जाना ईमान कहलाता है। अगर अली को नहीं पुकारोगे नफ्स शक की जंजीर में गिरफ्तार रहेगा, अली को पुकारोगे नेमत यकीन हासिल हो जाएगा। अली को पुकारोगे नेमत यकीन हासिल हो जाएगी। यूं अली को पुकारते हैं कि ताकि हमारा मुकाम क़ुर्ब बुलंद हो जाए, हमारी मंजिल क़ुर्ब बुलंद हो जाए। तो जिसे उसका क़ुर्ब दरकार है वो अली को पुकारे, जिसे उसका क़ुर्ब दरकार है वो अली को पुकारे। इसलिए कि इल्म का इकमाल ये है कि वो मंजिल क़ुर्ब आती है कि जहाँ अब्द माबूद से हम कलाम होता है, जहाँ मैं नहीं रहता, जहाँ तू हो जाता है। तो ऐसी मंजिल पर, ऐसे मुकाम पर उस हयात में हुस्न आ जाता है, उस हयात में हुस्न आ जाता है। अजीजाने गिरामी से हर्फी लफ्ज़ है, हे सीन नून हुस्न। लेकिन इसमें अजब मानवियत पिना है, अजब हंगाम पिना है। मैंने इस लफ्ज़ के जेल में 9 घंटे सर्व किए हैं, 9 घंटे इस लफ्ज़ के जेल में सर्व किए कि ये लफ्ज़ हुस्न समझ में आ जाए। इसलिए कि फ़लसफ़ा इसकी तारीफ जुदा करता है, मंतक इसकी तशरीह जुदा करता है, इल्मे कलाम में इसके मबाहिस जुदा हैं। आदम व हुस्न की तारीफ कुछ अजब अंदाज से पेश करता है। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी इस मुख्तसर से वक्त में एक मकालमा और याद रखने के काबिल है कि हुस्न की तारीफ एक मकालमे में ये है कि इजाफत की यगानगत का दूसरा नाम हुस्न है। इजाफत की यगानगत का दूसरा नाम हुस्न है। अब तुलबा इसको सहल और आसान कर दें, जितना आप तलब इल्म करेंगे उतना आपका आसमान बुलंद होगा। जूं जूं आप तलब इल्म करते जाएंगे आपकी हयात फलक दर फलक सैर करती चली जाएगी, आईने बदलते चले जाएंगे लेकिन जलवा एक ही नजर आएगा। आईने बदलते चले जाएंगे, जलवा एक ही नजर आएगा। यानी जब हयात में हुस्न आ जाए तो हयात कसरत नजारा में गुम नहीं होती बल्कि नुक्ताए वहदत पर आकर कयाम पजीर हो जाती है। और जब वो नुक्ताए वहदत पर आकर कयाम पजीर हो जाए तो वही हक होता है, और जहां हक होता है वहां हवा व हवस का गुजर नहीं होता। जहाँ हक होता है वहाँ हवा व हवस का गुजर नहीं होता। यानी एक सांस खींच तो लीजिए तलब इल्म के साथ ताकि आप दुरुस्त कलमा पढ़ना सीख लें। इस्लाम का पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, लेकिन इला है क्या? इला है क्या हवा व हवस? इला है क्या मैं? तो अजीजाने गिरामी जितना आप हवा व हवस से कताए ताल्लुक करेंगे, जितना आप मैं की नफी करते चले जाएंगे उतना हयात इल्लल्लाह में जज्ब होती चली जाएगी। और वो हयात जो इल्लल्लाह में जज्ब हो जाए उसका हरकत व सकून, उसका जाती हरकत व सकून नहीं कहलाता बल्कि खालिक का हरकत व सकून कहलाता है। वो रहता बंदा ही है लेकिन काम वो सारे खालिक के करता चला जाता है। तो जब उसके काम खालिक
होते, और जब काम फना नहीं होते तो काम करने वाला भी फना नहीं होता। जब काम फना नहीं होते तो काम करने वाला भी फना नहीं होता। तो खींच तो लीजिए एक सांस तलब इल्म के साथ, खींच तो लीजिए एक सांस तलब इल्म के साथ। कहां भटक रहे हैं कलमा पढ़कर, कहां भटक रहे हैं कलमा पढ़कर। हजार दरवाजों पे दस्तक देंगे तो भिखारी बन जाए, लेकिन एक दरवाजा मुंतखब कर लीजिए फकीरी हाथ आ जाए, एक दरवाजा मुंतखब कर लीजिए फकीरी हाथ आ जाएगी। भिखारी में और फकीर में फर्क है, भिखारी और फकीर में फर्क है। भिखारी बेखबर होता है, फकीर बाखबर होता है। भिखारी लेता चला जाता है, फकीर देता चला जाता है। भिखारी लेता चला, भिखारी लेता चला जाता है, फकीर देता चला जाता है। क्यों भटक रहे हैं कलमा पढ़कर? एक दरवाजा मुंतखब कर दीजिए, एक दरवाजा मुंतखब कर लीजिए। जब खटखटाएंगे, जब खटखटाएंगे महरूमी नहीं होगी, मायूसी नहीं होगी, मायूसी नहीं होगी। अगर आज के अहद में कोई मेरे नौजवानों से सवाल करे कि मजलिस क्या है, तो उसे समझा दीजिए मजलिस रस्म नहीं है, मजलिस दीने अबोजद नहीं है, मजलिस दरे इल्म पे दस्तक का दूसरा नाम है। मजलिस दरे इल्म पर दस्तक का दूसरा नाम है। जब हम तिश्नगी महसूस करते हैं तो इस दरवाजे पर दस्तक देते हैं, और जब दरवाजा खुलता है तो साकी आगे बढ़कर हमारे सागर को बकदरे जर भर देता, हमारे सागर को बकदरे जर भर देता। सिनो साल की कैद नहीं, सिनो साल की कैद नहीं है, तालिम होना चाहिए, तालिम होना चाहिए। देते हैं तलब देकर, देते हैं तलब देकर। जितनी तलब करेंगे उतना आपका सागर भरता चला जाए। और तालिबान इल्म की शायरी नहीं होती, तालिबान इल्म की शायरी नहीं होती। क्यों? इसलिए कि नहजुल बलागा में जनाब अमीर इरशाद फरमा रहे हैं कि हर शय ज़र्फ में उतना ही कयाम करती है जितना ज़र्फ में गुंजाइश। यानी इस गिलास में पानी उतना ही समाएगा जितनी इस गिलास में गुंजाइश है। लेकिन जनाब अमीर कहते हैं कि ज़र्फ कल्ब वो नेमत है कि जब इसमें नेमत इल्म कयाम पजीर होती है तो ये वुसअत पाता चला जाता है, यह वसाद पाता चला जाता है। इसलिए मिंबर से कहता हूं कि जो साहिब इल्म होता है वो वसीउन नजर भी होता है, वसीउल कल्ब भी होता है। साहिब इल्म होता है वो वसीउल कल्ब भी होता है, वसीउ नजर भी होता है। इसलिए कि वो शय को परतने का हुनर जानता है, वो शय के परतने का हुनर जानता है। जो शय के परतने का हुनर जान ले उसी को तो इस्तिलाह में आदिल कहते हैं, उसी को तो इस्तिलाह में आदिल कहते हैं। आप तलब इल्म करते चले जाएं, हयात में अदालत आती चली जाए। आप तलब इल्म करते चले जाएं, हयात में अदालत आती चली जाएगी। अगर एक दरवाजा जहां नेमत इल्म तकसीम हो रही है अगर उस दरवाजे से आपने एराज कर लिया तो अदालत हाथों से चली जाएगी,
और जब अदालत हाथों से चली जाए तो कलमा तो पढ़ेगी लेकिन कलमे पे शहादत न दे सकेगी, कलमा तो पढ़ेगी लेकिन कलमे पे शहादत न दे सकेगी। अब समझ में आना चाहिए कि हम करबला का वरक क्यों उलटते हैं। हम करबला का वरक इसलिए उलटते हैं कि कलमा तो दोनों जानिब एक था लेकिन एक जानिब बेखबर था, एक जानिब बाखबर था। बेखबरी कलमा पढ़ती है, अदालत हाथ से निकल जाती है। खबर कलमा जबान पर जारी करती है, हयात में अदालत आ जाती है। तो अजीजों कलमा पढ़ोगे तो मौत आएगी और कलमे पे शहादत दोगे तो हयात अबदी मिल जाएगी। कलमे पे शहादत दोगे तो हयात अबदी मिल जाएगी। इल्म की राह के राही बन जाओ, इल्म की राह के राही बन जाओ। देखो हुर एक कदम आगे बढ़ा गया, हुर एक कदम आगे बढ़ा गया। वो इल्म की राह का राही था, उसका कलमा नहीं बदला, उसका कलमा नहीं बदला। उसके नफ्स की कैफियत मुनकलिब हो गई, यानी वो बेखबरी के दायरे से निकलकर खबर के दायरे में आ गया। वो बेखबरी के दायरे से निकलकर खबर के दायरे में आ गया। चलते चलते महफूज रहे ये मुकाम भी। कभी मैंने तफसील अर्ज की है कि फलासफा के दरवाजों पर दस्तक दे के तारीफ इल्म को मैंने हासिल नहीं किया, इसलिए कि वहां जंजीर शक टूट ही नहीं रही। मैंने करबला की फुरात से एक सागर मुस्तार लिया। अजीजाने गिरामी नेमत यकीन हाथ आई और ये रमजियत मुझे हुरते उठते हुए कदमों की धूल ने समझाई कि कलमा जहलो इल्म नहीं होता, इंसान के नफ्स की कैफियत जहलो इल्म होती है। अगर जबान पे जारी होने वाला कलमा नफ्स पर इतलाक वजीर ना हो तो कैफियत नफ्स को जहल कहते हैं, और अगर वही कलमा नफ्स पर इतलाक वजीर हो जाए तो कैफियत नफ्स को इल्म कहते हैं। तो अजीजों या हुसैन कहकर उधर से इधर आया और दुनिया को यह नुस्खा सिखा गया कि जो या हुसैन कहना सीख ले वो कलमे का इतलाक सीख लेता है, और जो कलमे का इतलाक सीख ले वो नफ्स की बेखबरी को खबर में बदल लेता है, और जब नफ्स की बेखबरी खबर में बदली उधर लश्कर यजीद से निकल कर लश्कर हुसैन में आ गया। कहते सब है कि काश हम करबला में होते, कहते सब है कि मौला हमें अपना सिपाही बना ले। आज आप करबला में खड़े होंगे, आज आप हुसैन के सिपाही बनेंगे, मगर जबान पर जारी होने वाला कलमा नफ्स पर इतलाक पजीर तो बना लीजिए। अगर ये कलमा नफ्स पर इतलाक पजीर बन गया तो आप हुसैनी हैं, आप हुसैन के सिपाही हैं, आप करबला के मुजाहिद हैं, आप करबला की जंग में शरीक हैं। करबला आज भी है, जब तक जिंदगी का सफर जारी है करबला का सफर जारी रहेगा। करबला कलमा नहीं पढ़वाती, करबला कलमे का इतलाक कराती है। जमाना खौफ ज़दा न हो कि हम मजलिसें बर्पा कर कर किसी को कलमा पढ़वाना चाहते हैं, किसी को नमाज पढ़वाना चाहते हैं, किसी को कुरान पढ़वाना चाहते हैं। ये मजलिसें कलमा पढ़वाने के लिए नहीं, ये मजलिसें इतलाक कलमा के लिए हैं, ये मजलिसें इतलाक कलमा के लिए हैं, ये मजलिसें बेखबरी को खबर में बदलने के लिए हैं, ये मजलिसें जहल को इल्म में बदलने के लिए हैं, ये मजलिसें मजबूर को साहिब इख्तियार बनाने के लिए हैं। नहीं, अब मानवियत के साथ सुनो इस मकालमे को, ये मजलिसें मौत को हयात बनाने के लिए। हयात बनाने के लिए करबला एक किताब है जिसे किताब हयात कहते हैं, करबला एक दफ्तर हयात है। जब जब आप इसकी और आँख को उल्टेंगे चेहरा हयात निखरता चला जाए, जब जब आप इसकी और आँख को उल्टेंगे चेहरा हयात निखरता चला जाए।
इस करबला को सजाने के लिए एक माँ ने एक शहजादे को चक्कियां पीस के पाला। इस करबला को सजाने के लिए एक माँ ने एक शहजादे को चक्कियां पीस के पाला। माँ ने कभी हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ा, माँ ने कभी हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ा। हुसैन मदीने से निकल रहे थे, माँ के मरकज आली पे आए और पाए की सर रख के कहा, माँ हुसैन जाता, माँ हुसैन जाता। मरकज जहरा से सदा आई, हुसैन तन्हा नहीं जाने दूंगी, ये माँ तुम्हारे साथ साथ है, ये माँ तुम्हारे साथ साथ है। माँ ने अपने बच्चे को तन्हा नहीं छोड़ा, माँ हर गांव अपने बच्चे के साथ साथ है, माँ हर गांव अपने बच्चे के साथ साथ नहीं। शबे आशूर हुसैन निस्म शब की मंजिल में निकले और कदमों की आहट पर सुना, रुक के कहा, कौन आता है, कौन आता है। आने वाले ने कहा, मौला आपका गुलाम, आपका गुलाम आता है। इमाम ने आगे बढ़कर बाजू थामा, मंजिलों पर मंजिलें दिखाई, मंजिलों पर मंजिलें दिखाई और फिर कहा, यहाँ रुक, अभी कुछ देर में हम आते हैं। तो इमाम नशेब की जानिब चले और जब वापस आए तो सवाल किया मौला से कि मौला ये किसके रोने की आवाज है। कर पहचाना नहीं, ये मेरी दुखियारी माँ फातिमा जहरा मेरे मक्तल की जमीन बालों से साफ कर रही है कि कहीं कोई कंकर ना चुभ जाए, कहीं कहीं का कांटा न चुभ जाए। और फिर वो सुबह शहादत नमूदार हुई, कभी पुरैर के सरहाने आई, कभी हबीब के सरहाने आई, कभी गुलाम जान के करीब पहुंची, कभी सईद के पाइंती आके खड़ी हो गई और कहने लगी, हुसैन घबराना नहीं, ये माँ तुम्हारे साथ साथ है। लेकिन जब जोहर ढला और इब्राहिम करबला ने इस्माइल करबला के लाशे को उठाया तो आवाज आई, हुसैन घबराना नहीं, माँ तुम्हारे साथ साथ है। तो लाशे को बुलंद करके कहा, दादा इब्राहिम, जरा आज हुसैन की हिम्मत तो देख जा, जरा आज हुसैन की हिम्मत तो देख जा। फिर भाइयों के भतीजों के लाशे लाए, फिर वो मुकाम आया जहां बराबर के भाई के बाजुओं को समेटते हुए आगे बढ़े, आवाज आई, हुसैन जरा एहतियात से, मेरे अब्बास ने शिफात का सामान दे दिया, मेरे अब्बास ने शिफात का सामान दे दिया। सबसे आखिर में एक नौके ज़ुल्फ़िकार से गंदी सी लहर को खोदा, दो हाथ निकले, ला हुसैन ला, ये अमानत परवरदिगार है, ये अमानत परवरदिगार है। बस हाँ, वो मंजिल भी आई जब हुसैन सवारी पे सवार होके मैदान में आए, भरपूर नबरदाज माई की और जब जख्मों से चूर चूर पुश्ते फरस पे झूम रहे थे तो ऐसे में आवाज आई, हुसैन अम्मा आई है, हुसैन अम्मा आई है, हुसैन तिफली का वादा पूरा करो। हुसैन जब गुजर गई मख्तल की जमीन बालों से साफ करते करते, इमाम झुके, ज़ुल्फ़िकार को मायान में रखा और झुकते हुए कहा, ज़ुल्जना, अब ले चल उस मुकाम पर जहां मेरी माँ मेरे इंतजार में है, जहां मेरी माँ मेरे इंतजार में है। सवारी गौदाले कत्लगाह में आई, ज़ुल्जना ने सहारा दिया, इमाम पुश्त फरस से खाके नैनवा पर आए। अजीजों, वो करबला की शाम और वो हुसैन इब्ने अली का सज्दा, शहजादी हमारा सलाम, आप कमाले सब्र की मंजिल पे फाइज है। जालिम खंजरे जुल्म लेके आगे बढ़ रहा था और दुखियारी जरा
परवरदिगार हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार हाजरीन मजलिस की जुमला हाजात शरिया को बरदा। परवरदिगार मरहूमीन को बहक मोहम्मद व आल मोहम्मद आलैहिम में जगह इनायत फरमा। उनके गुनाहान कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा। उनके लवाहिकीन व मुतअल्लिकीन को सब्र जमील अता फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ मोमिनीन बीमार हैं दुनिया जिस बवाई मर्ज गिरफ्तार है इससे रिहाई अता फरमा। परवरदिगार जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा। जो बरसर रोज़गार हैं उनके रिस्क में खैर व बरकत अता फरमा। परवरदिगार मुकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार मिल्लत को मुत्तहिद रख। मुमलिकत की हिफाजत फरमा। एक मरतबा सूरह अलहम्द और तीन मरतबा सूरह इखलास तिलावत फरमाते हैं। मोहतरमा हुस्न बानो बिनते सैयद सैयदा हुस्न बानो जैदी बिनते सैयद कर्रार हुसैन जैदी सैयद नूरुल हसन नकवी इब्ने सैयद फैयाज हुसैन नकवी की अरवा के साथ आउज़ु बिल्लाहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्हम्दुलिल्लाह सलाम اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگارا بحق امام زمانہ جو سورہ تلاوت کیے گئے ہیں جو کلام مجید تلاوت کیا گیا اور جو دیگر اذکار کیے گئے بالخصوص جو ذکر سید الشہداء امام مظلوم علیہ الصلاۃ والسلام کیا گیا حضرت حجت کے توسل سے اسے نظر کرتے ہیں تمام انبیاء و مرسلین ائمہ و اولیاء و شہداء و صدیقین و صالحین کی بارگاہ بالخصوص شہداء کربلا علیہ السلام کی بارگاہ اور وہاں سے اس کا جو ثواب ارسال کرتے ہیں سیدہ حسن بانو زیدی بنت سید کرار حسین زیدی سید نور الحسن نقوی ابن سید فیاض حسین نقوی کی ارواح کو ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب صلی علی محمد و آلہ الاطہار मैंने
संभालो तीर तलवारों से खंजर से बदन जख्मी है आग जलती है तो जख्म मुंह में चुभन होती है तीर जख्मों से मेरे दिल का लहू जारी है अपनी चादर गर्म रेती पा में गिरता हूँ संभाल